का वीडियो सुबह आपका समाजशास्त्र का पेपर है, तो जो मिड टर्म्स पेपर हैं या इन्हें हम इंटरनल पेपर भी कहते हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही जो BA फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, जिसका नाम और उसका लिंक इसके वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे जाकर आप विजिट करें और फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेमेस्टर के सारे वीडियो सारे सब्जेक्ट के आपको उस चैनल पर मिलेंगे, सेकेंड सेमेस्टर के भी वीडियो मिलेंगे। और इस चैनल पर आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो इंटर हाई स्कूल प्लस ग्रेजुएशन के भी मिलेंगे। सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन आल पर प्रेस करें, जिससे आपको मिलने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन निरंतर मिल सके। क्योंकि नोटिफिकेशन से जो भी लोग आप जुड़े हुए मेरे साथ हो, तो आप लोगों के पास जो नोटिफिकेशन का मैसेज जाता है वो आपका नोटिफिकेशन से बहुत कम जा रहा है। तो ये सोशियोलॉजी का पेपर है, सोशल क्वेश्चन पार्ट यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है ये 5। अभी इसका जो मेन पार्ट आने वाला है छठा, जो कि वहाँ एपिसोड कहलाएगा, जिसमें क्वेश्चन आपके 150 तक क्वेश्चन होंगे, 100 से 150 के बीच क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपका पेपर आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी कि मल्टी चॉइस में OMR शीट पर होगा। यदि आपको OMR शीट कैसे भरनी है वो पूछना, वो अगर आप नहीं कन्फर्म है तो आप बताएंगे, वो भी मिल जाएगा आपके लिए। तो वीडियो को करते हैं शुरू, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सुबह पेपर है, मैं अभी अपलोड करके देता हूँ आपको। प्ले लिस्ट पर वेट कीजिए, अगर कोई वीडियो नहीं मिलता है, प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो पहला इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट हमारा सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है। मिड टर्म होता क्या है? मिड टर्म होता है, इसमें आपकी सारी डिटेल क्लियर हो जाएगी, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। तो इसमें आपका क्या होगा, लॉन्ग आंसर होंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, तीन तीन क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप के, और चार क्वेश्चन होंगे आपके शॉर्ट टाइप। कुल मिला के इनका जो रेशियो है मार्किंग का वो होगा 25 मार्क्स का, ठीक है। चैनल का नाम बता जाऊँ, हेमेंद्र सिंह लेक्चर, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, अन्यथा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आपका कोई भी लॉस हो सकता है। टर्म यानी कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम, इसकी मार्किंग 25 नंबर की है और ये आपको पेपर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमारा कोर्स कोड यानी पेपर का कोड दिया हुआ है, ये आपको फिल करना होगा। OMR शीट आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी अगर आपको नहीं आती, आप कमेंट जरूर करिएगा, उसमें आपको मैं बता दूंगा। और जितने भी लोग पेड एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी मेरे कम्युनिटी बॉक्स में मैंने डाल दिया है पेज, वहाँ पर अपना वोट करके अपना बता सकते हैं अपने बारे में। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट हमारा है, जिसमें तीन लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये तीन आपको पेपर में मिल जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो वीडियो आपने देखे हो, नहीं देखे हैं तो आप इंग्लिश सोशोलॉजी एजुकेशन बहुत सारे वीडियो देखिए, बहुत अच्छी कमेंट की आप लोगों ने, लोगों ने 80+ मार्किंग अर्जित की है मेरे साथ यूट्यूब पर पढ़कर। तो आप भी 80+ चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 25 नंबर के आपकी ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय गांवों या ग्रामों की विशेषताएं क्या हैं। नेक्स्ट है, गांव और शहर में अंतर क्या स्थापित कीजिए, पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, मतलब कि जो क्वेश्चन तीन हैं इनमें से क्वेश्चन 10 नंबर के हैं ये, और इन तीन में से आपको एक क्वेश्चन कोई सा करना है। दूसरा क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा बताइए, स्पष्ट कीजिए। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको सिद्धांत बताना है, जाति की उत्पत्ति किस सिद्धांत के आधार पर हुई है। तीन क्वेश्चन है, तीन में से आपको आंसर एक का ही लिखना है, और इनमें से वे क्वेश्चन हैं आपके जो आपको पेपर में मिलेंगे, कोई से इनमें से आप पढ़ लीजिए, तीनों इन तीनों में से आपको मिल जाएगा। जनजातियों का अर्थ क्या है, साथ ही उसकी परिभाषा लिखिए, यानी जनजाति की, जनजातियों की परिभाषा क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे। जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं भी बताइए, यानी जनजाति जो समूह होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या खास बात होती है वो आपको बतानी है। ये थे लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है चार,
लॉन्ग आंसर तीन थे, तीन में से आपको एक करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। ये 4 क्वेश्चन है, कुल 25 हैं आपके, 10 आपके उधर हो गए और इधर आपके 4 क्वेश्चन हैं, तो ये आपके हैं, इसमें से आपको 3 करने हैं। ये 5-5 नंबर क्वेश्चन होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होगा, यानी कि 5 मार्क्स का। 10 उधर हो गए, अगर आप 3 करेंगे 15 इधर, 25। यदि आप 25 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सुबह को आपको 100% मिलेंगे पेपर में। पहला क्वेश्चन है, काका काले करके आयोग से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन सेकंड है हमारा, गिलिन एवं गिलिन ने, यहाँ पर लेने नहीं दिया हुआ है, मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है ने, मैंने लिख दिया, गांव के कितने प्रकार बताए हैं, यानी गांव को कितने प्रकार के में विभाजित किया है वो बताने हैं आपको, किसके, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। इसी में क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्त्रियों की वर्तमान वैवाहिक स्थिति के बारे में बताइए, यानी कि उनकी समस्याएं क्या हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जाति और जनजाति में क्या अंतर होता है, ये स्थापित कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर एजुकेशनल वीडियोस, ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, क्वेश्चन सॉरी वीडियो है। आप किसी यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपके यहाँ इंटरनल एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपके लिए 25 में से 25 नंबर मिल सकते हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब आपके लिए इंग्लिश का मिलेगा, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे भी सब्जेक्ट के मिड टर्म्स एग्ज़ाम के वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल दोनों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे चैनल का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, नाम बता दे रहा हूँ, चैनल का नाम है BA स्टडी ऑल सब्जेक्ट, नाम से चैनल है।